हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जेनाइटल हर्पीस एंड इट्स होम्योपैथिक क्योर। दोस्तों, जेनाइटल हर्पीस या HSV2 एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। यह एक से दूसरे को हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग सिम्टम्स के प्रकार के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और इसमें क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके परफेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि जिस मेडिसिन से मुझे 100% रिजल्ट मिलते हैं HSV2 के केस में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं और मैं प्रैक्टिस करता हूं भोपाल में। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट्स के अनुसार 500 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद जेनाइटल हर्पीस वर्ल्ड वाइड। यह नॉर्मली 15 साल से 49 साल की एज की आयु में ज़्यादातर देखा जाता है। जेनाइटल हर्पीज़ यानी कि हर्पीज़ रोग एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती है। बीमारी शुरू होने के 4 से 5 दिन के अंदर इसके लक्षण आने लगते हैं। यह 2 दिन में भी आ सकते हैं या फिर किसी में इनक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा है तो 15 दिन का समय भी ये ले सकते हैं। सबसे पहले ब्लिस्टर्स होना स्टार्ट होते हैं। ब्लिस्टर यानी कि छोटे छोटे छाले होने लगते हैं। ये कहाँ हो सकते हैं? ये पेनिस पे हो सकते हैं, ये वेजाइनल एरिया में हो सकते हैं और या फिर ग्लूटियल रीजन एनस के आसपास ही हो सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये आपके होठों पर, आपके चेहरे पर और कोई भी एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि दूसरे संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया है जिसको कि ये बीमारी है या थी, तो उस पार्ट में भी ये सेम लक्षण देखे जाते हैं। तो जेनाइटल हर्पीस वायरस में क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं? बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है और 2 प्रकार के वायरस इसमें देखे जाते हैं, नॉर्मली हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स 2। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 है वो मेनली एसोसिएटेड होता है कोल्ड सोर्स के लिए, बट कुछ एक लोगों में हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 वायरस जो है यह भी एक काज बन सकता है जेनाइटल हर्पीस के लिए, और जो HSV2 है वह एक मेजर कॉज होता है जेनाइटल हर्पीस के लिए। दोस्तों, शरीर के अंदर जब ये वायरस जाता है तो वायरस जाकर शरीर के अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाता है। उसके बाद ये सेल्स के अंदर और ज़्यादा इसका मल्टीप्लीकेशन तेज होने लगता है। इसके बाद ये जो वायरस है ये बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैलने लग जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और ब्लड से काफ़ी अंगों में बहुत जल्दी और आसानी से ये पहुंच सकता है, और सबसे सीरियस जो इसका कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो है मेनिनजाइटिस का ये रूप ले सकता है। यानी कि अगर वायरस जो है यदि आपके ब्रेन तक पहुँच जाए तो ये जो है वायरल मेनिनजाइटिस का रूप ले सकता है। सो इसलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सावधानियाँ रखनी होती है हमें इसके उपचार के दौरान और क्या क्या उपाय हम इसके लिए कर सकते हैं। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसे यदि पहले से ही दोस्तों हर्पीस की हिस्ट्री है तो उसको अपने डॉक्टर को, अपने गायन को बता देना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं छिपाना चाहिए। ये एक सीरियस मैटर होता है। दोस्तों, हर्पीज़ रोग के रिस्क को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके लिए कुछ एक जो सावधानियाँ अगर हम बरते हैं तो इसको हम डेफिनेटली हम इससे बचाव तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको बैरियर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कोंडोम यूज़ करें। इसके अलावा अगर किसी को हर्पीज़ के लक्षण हैं और जिस टाइम पर, जिस समय पर ये लक्षण या सिम्टम्स में दिखाई दे रहे हैं उस टाइम पर वह अपने पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करे, उससे दूर रहे, तो उसको ट्रांसमिट होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। अपना इम्यून स्टेटस चेक कराना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिसिन भी लेनी चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। अगर हम ऐसे पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम पाएंगे कि इनके जो सीमन है, इनकी जो सलाइवा है, इनके जो ब्लड है, उसमें हम इस वायरस को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हर्पीस रोग को डायग्नोस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ब्लिस्टर्स हैं, जो कि मैंने बताया जिस एरिया में वहाँ पे आपको ब्लिस्टर्स हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके भी आराम से हर्पीस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्वैब लेते हैं, जहाँ पर ब्लिस्टर्स होते हैं वहाँ का स्वैब लेकर उसको हम लेबोरेटरी में भेजते हैं जांच के लिए, और PCR टेस्ट एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो कि हर्पीस के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ
HSV-1 and 2 के लिए कई ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट, जिससे कि इसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। और एक बार कंफर्म होने के बाद ही हम लोग फिर आगे इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम पे प्रोडोमल सिम्टम देखे जाते हैं। प्रोडोमल सिम्टम मतलब पेशेंट को टिंगलिंग शुरू हो जाती है, उसको खारिश होना शुरू हो जाती है, जिस एरिया में ब्लिस्टर्स आने हैं वो सब प्रोडोमल सिम्टम्स शुरू होते हैं। और ये सब सिम्टम्स देखकर ही हम शुरुआत में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यदि शुरू करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30। ये जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक पर बहुत अच्छा काम करती है, हर्पीस के इरप्शन पेनिस पर और जेनाइटल्स के आसपास हमें इसमें देखने को मिलते हैं। पानी वाले हैं, बिना पानी वाले हैं, चाहे वो दाने हो चाहे वो छाले हो, दोनों ही कंडीशन में एसिड नाइट्रिक 30 वर्क करती है। साथ ही मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब करता हूँ कई STIs में, जैसे कि गोनोरिया है, हर्पीज है, HPV इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिसमें कि येलो कलर का पस का डिस्चार्ज हमें यूरिन के रास्ते देखने को मिलता है, यूरेथ्रा के रास्ते में छाले हो जाना और पेशाब करते समय मरीज को दर्द हुआ करता है। ऐसी कंडीशन में एसिड नाइट्रिक 30 इफेक्टिव मेडिसिन है, तो दोनों डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो सीपिया और जेनाइटल हर्पीस के ऐसे केस जहाँ पर इरप्शन में बर्निंग और इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, इरप्शन पपड़ीदार या मॉइस्ट भी हो सकते हैं और उसमें जलन और खुजली ज़्यादा होती है, महिलाओं की लेबिया में और पुरुषों के ग्लांस में हर्पेटिक इरप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, इसका जो डोज रहेगा वो 200 पोटेंसी में सुबह सुबह एक ही बार दो घूम। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, वह है सारसाप्रेला क्यूब। ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन है, एक साथ ही ब्लड प्यूरीफायर भी है। शरीर में ऐसी जगह जहाँ पर स्किन में फोल्ड बनते हैं, लाइक आपका जो ग्रोइन रीजन हो गया, ऐसे में जो फोल्ड बनते हैं, ऐसी जो जगह हैं, तो वहाँ पर होने वाले इरप्शन पर ये बहुत ही बढ़िया काम करती है सारसाप्रेला मदर टिंचर। साथ ही मरीज के जो जेनाइटल एरिया है इसमें ज़्यादा पसीना आने का यूनिक सिम्टम देखा जाए तो फिर ये बहुत अच्छा काम करती है। और इस तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जो कि स्किन ट्रबल्स का कारण बनते हैं, उसमें बेस्ट रिजल्ट देती है। इस दवा को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना होता है, 20-20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वह नेट्रम्यू 200। स्किन डिजीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, लिंग पर पानी वाले दाने बन जाते हैं, उसमें बर्निंग होती है, इचिंग की समस्या मरीज को होती है, कुछ दिन बाद दाने सूख कर दानों में एक पपड़ी सी जम जाती है और पेशेंट को देखा जाता है कि नमक खाने की ज़्यादा डिज़ायर देखी जाती है। ऐसे केसेस में हम नेट्रम्यू 200 सुबह 2 बूंद रात को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हिपरसल मेडिसिन। अगर आपको हर्पीस के इरप्शन में पस फॉर्म हो गया है जो कि ठीक ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे केसेस में हिपरसल दी जाती है। इन पेशेंट की जो स्किन है काफ़ी अनहेल्दी रहती है, घाव में पक जाने की टेंडेंसी होती है, मतलब शरीर में कई बार चोट लगी है तो उसमें पस जो है इजीली फॉर्म हो जाया करता है। इस तरह के हर्पीस के दानों में यदि पस पड़ जाए तो उसके लिए एक मार्क इंडिकेशन है हिपरसल का। तो हर्पीस के दानों में बहुत तेज नर्व पेन भी होता है जो कि रात के समय अक्सर पड़ जाया करता है, कांटे चुभने जैसा दर्द यदि आपको इन दानों में हो रहा है तो उसकी दवा हिपरसल 200 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर 2 बूंद रात को। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल 30। तो ऐसे इरप्शन जो कि राइट साइड में ज़्यादा देखे जाते हैं, मीन्स आपको कि ग्लांस जो पेनिस है इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर राइट साइड में उनका प्रभाव ज़्यादा है। पेशेंट के इन छालों में खुजली होती है, सूख जाने के बाद इसमें भयंकर वाली जलन होती है, पेशेंट को पेन भी होता है और खुजली शाम के वक्त और नमी वाले मौसम में बढ़ जाती हो। साथ ही यदि उसके मुंह और मुंह के आसपास ओरल कैविटी में भी छाले आ रहे हैं, जलन हो रही, बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रहा है और इस तरह के हर्पेटिक इरप्शन, माउथ के हर्पेटिक इरप्शन, जेनाइटल के हर्पेटिक इरप्शन में यूज़ की जाती है 30 पोटेंसी में इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टाइम। दोस्तों, बात करें इसके अलावा और भी इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो इसके अलावा मैं देता हूँ मेरियोलिनम, रस्टॉक्स, मेजेरियम, सल्फर और भी कई सारी मेडिसिन से दोस्तों, जिसके मुझे 90-100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। याद रखें दोस्तों, जेनाइटल हर्पीस एक गंभीर बीमारी है, इसलिए इसका सेल्फ मेडिकेशन से आपको बचना है। किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से आप इसके लिए परामर्श लें और चिंता मुक्त रहें, तनाव मुक्त रहें। जेनाइटल हर्पीस क्योरेबल है, बस ज़रूरत है आपको सही इलाज की। दोस्तों, यदि आप जेनाइटल हर्पीस को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, हमेशा हमेशा के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे ऑनलाइन
संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको जरूर से पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।